मैं आपको हिंदी व्याकरण में संज्ञा समझाऊंगी। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा की परिभाषा। किसे कहते हैं संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति का नाम किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, रमेश, सीता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी या आपका नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। तो व्यक्ति का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। नेक्स्ट है वस्तु का नाम। वस्तु, पेन, पंखा, चौक, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजें जो भी वस्तुएं हैं वो सब संज्ञा कहलाती है। थर्ड है प्राणी का नाम। प्राणी में शेर, मछली, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे जो है प्राणी, इनका नाम संज्ञा होता है। फोर्थ है स्थान का नाम। स्थान के नाम में आप भारत, बिलासपुर, रायपुर, भोपाल, किसी भी शहर का नाम दे सकते हैं। भाव का नाम, भाव का नाम ईमानदारी, सच्चाई, हरियाली, सुख दुख इत्यादि पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति महात्मा गांधी, विशेष स्थान बिलासपुर, विशेष वस्तु रामायण। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वे शब्द जिनसे किसी एक वर्ग के व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी वर्ग का पता चलता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा जानवर, हमें नहीं पता कि किस जानवर के बारे में बात हो रही है तो वो कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। या फिर गांव के बारे में बात हो रही है, किस गांव के बारे में बात हो रही है ये नहीं पता है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। थर्ड है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था या दशा का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख दुख, ईमानदारी, बेईमानी, ये सारे क्या है, भाव है। जिनसे इन जिन शब्दों से इनका पता चलता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये आपने संज्ञा समझ लिए। अगर आपको ये